हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम लोग अपने लैपटॉप्स का सीरियल नंबर या उसका प्रोडक्ट नंबर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, आप लोगों के पास लैपटॉप तो होता है, लेकिन जब कभी प्रॉब्लम आती है तो आपको उसका सीरियल नंबर या उसका कोई प्रोडक्ट नंबर जो होता है हमारे लैपटॉप का, जिससे हम अपनी कंप्लीट लॉग वगैरह करवाते हैं कंपनी वगैरह में, तो आप लोगों को पता नहीं लगता है कैसे होता है, कैसे होता है, कहाँ पे होता है। तो वही बस आपको बताने जा रहा हूँ, सिखाने जा रहा हूँ कि कैसे हम लोग किसी लैपटॉप का सीरियल नंबर फाइंड आउट कर पाते हैं। देखिए, ये मेरे पास एक एचपी का लैपटॉप है, तो इसका मैं आपको सीरियल नंबर बताने जा रहा हूँ कि कैसे फाइंड आउट होता है या ये क्या प्रोडक्ट है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो कहाँ से फाइंड आउट होती है। सीरीज देखिए, सबसे पहले हम लोग लैपटॉप का पहली चीज़ सबसे पहले जो होती है, तो क्या होता है कि इसके जो राइट हैंड साइड पर होता है ना, आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, अगर आपको नज़र आ रहा होगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन लिखी हुई है, पवेलियन G6। ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है पवेलियन G6। ये तो होगी पहली चीज जो बताने वाले हो, देखने वाले होते हैं, पवेलियन G6। अब दूसरी चीज, इसको बंद कर दीजिए लैपटॉप को, इसको आपको बैक साइड पे देखिए, इसके जो बैक है पूरी, इसकी यहाँ बैक पे कोई ना कोई स्टिकर मेंशन होता है, या तो उस स्टिकर के ऊपर प्रॉपर लिखा होता है कि ये प्रोडक्ट कौन सा है, इसका सीरियल नंबर क्या है, या इसका टैग नंबर क्या होता है। अगर आपको यहाँ पे भी, जैसे इसके देखिए पीछे प्लेन है बिल्कुल, ये इसके पीछे कोई चीज़ मेंशन नहीं है, तो भी इसका हम लोग प्रोडक्ट नंबर या सीरियल नंबर इसका फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए वो कैसे करते हैं, ये यहाँ पे एक लॉक होता है फ्रेंड्स, ये इसका बैटरी का लॉक होता है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इसका बैटरी का लॉक है, ये इसका आप इसको अनलॉक कर लीजिए, इसको आपको पुश करना है दूसरी तरफ, इसको आप पुश करोगे तो ये बैटरी अपने आप अनलॉक हो जाएगी। ये देखिए, इसकी बैटरी आ गई है बाहर, ये इसकी बैटरी मैंने निकाल ली है, इसको साइड पे रख दीजिए। अब मैं आपको इसका देखिए सीरियल नंबर फाइंड आउट दिखाता हूँ। अब आप इसके नीचे एक स्लिप लगी हुई है प्रॉपर, ये जो आप स्लिप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, इस स्लिप के ऊपर काफी कुछ मेंशन होता है, तो उसके ऊपर ही इसका एक सीरियल नंबर यहाँ पर लिखा होता है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, जहाँ पे मैं यहाँ पर अपना कैमरा लेके जा रहा हूँ, ये देखिए फ्रेंड्स, अब आपको नजर आ रहा होगा बिल्कुल, इसका सीरियल नंबर भी यहीं पे लिखा हुआ है, मॉडल नंबर जो G6 जो मैंने आपको पहले बताया था, देखिए वो भी प्रॉपर आपको नजर आ गया है, प्रोडक्ट आईडी नंबर तक आपको नजर आ गया। देखिए, ये हो गई चीज बहुत इंपॉर्टेंट देखने वाली, आपको सिर्फ बैटरी अनलॉक करनी है, बैटरी के नीचे इसका सीरियल नंबर वगैरह सारा कुछ लिखा होता है। ये देखिए, ये कौन सी कंपनी का है, किस साल में ये लैपटॉप निकला है, यहाँ पे प्रॉपर इसकी पूरी डिटेल दे रखी होती है हर एक लैपटॉप की। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये लैपटॉप किस डेट का है, ये देखिए यहाँ पे एक प्रॉपर मेंशन होता है, पूरी डेट एंड डेट वाइज को लिखा होता है प्रॉपर, अगर आपको ये देख पा रहे हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉपर 2010 ये लैपटॉप है, तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पे प्रॉपर लिखा हुआ है 2010 का ये लैपटॉप निकला हुआ है। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए ये सीरियल नंबर आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, प्रोडक्ट नंबर आ रहा है, मॉडल नंबर आ रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए ये होगा कितना इजी है। इसके बाद आपको बैटरी डालनी है, बैटरी आप देख लीजिए कैसे डालने होते हैं, ये बैटरी के लॉक्स होते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लैपटॉप में आपके पास होल्स बने होते हैं, बस उनको आप होल्स में डाल के बहुत ईजी होता है, बैटरी को छोड़ दीजिए, वो अपने आप अपनी जगह पर चली जाएगी। तो ओके फ्रेंड्स, देखा आपके लैपटॉप्स का सीरियल नंबर और प्रोडक्ट ढूंढना कितना ईजी होता है, तो आगे से अगर आपको कभी भी कंप्लेंट कोई करनी होती है लैपटॉप के रिगार्डिंग, तो आप अपने लैपटॉप का सीरियल नंबर जो भी होता है वो प्रॉपर आप ढूंढ कर आप अपनी कंपनी को अपने बता सकते हो। तो देन टेक केयर फ्रेंड्स, प्लीज कीप वॉचिंग माई वीडियोज। आपको मेरी वीडियोज कैसी लगती हैं शेयर कीजिएगा, प्लीज सब्सक्राइब करतेगा और मुझे कमेंट करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।